नीचे दिए हुए रेड सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन पर प्रेस करके हमारे सभी वीडियोस YouTube पर सबसे पहले पाएं। क्या आपको कभी किसी बैंक या कंपनी से कार जीतने, बैंक एटीएम के पिन कार्ड के विषय में या किसी प्राइज के जीतने के विषय में कॉल आया है? क्या आप जानते हो एक कॉल के माध्यम से भी कोई आपके जीवन भर के जमा किए हुए पैसों को कुछ ही मिनटों में आपके बैंक से चुरा सकता है? क्या आप साइबर क्राइम के बारे में जानना चाहते हैं? अगर हाँ तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहें और फ्रॉड कॉल्स और साइबर क्राइम से बचें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय कुमार। स्वागत है आपका onehindi.com के YouTube चैनल पर और आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप साइबर क्राइम और फ्रॉड कॉल से बच सकते हैं। साथ ही हमने इस वीडियो के अंत में आज जुलाई 3 2018 की फ्लिपकार्ट टाटा सफारी प्राइज ऑफर की एक फ्रॉड कॉल की रिकॉर्डिंग को ऐड किया है। इस ऑडियो को आप सुनकर समझ सकते हैं कि कैसे फ्रॉड कॉल करने वाले आपको झूठ बोलकर बहला फुसलाकर आपकी निजी जानकारियों को पता करते हैं और फिर आपके बैंक से सारे पैसे चुरा लेते हैं। साइबर क्राइम या फ्रॉड कॉल से बचने के लिए सबसे पहले सतर्क रहें। कभी भी किसी को फ़ोन पर अपने बैंक की निजी जानकारियां जैसे एटीएम पिन या ऑनलाइन बैंकिंग से जुड़े पासवर्ड्स कभी भी शेयर ना करें। किसी भी अननोन कॉल से लॉटरी या प्राइस की बात को भरोसा बिल्कुल ना करें। ना सिर्फ कॉल बल्कि ईमेल और एसएमएस के माध्यम से भी साइबर क्राइम और फ्रॉड हो सकता है, इसलिए किसी भी प्रकार के अननोन एसएमएस या ईमेल का रिप्लाई कभी भी ना दें। अभी आप जो फ्रॉड कॉल रिकॉर्डिंग सुनने वाले हैं, ये फ्लिपकार्ट का एक फ्रॉड कॉल है जो एक आदमी ने किया था मुझे और वह कह रहा था कि मैं फ्लिपकार्ट से एक टाटा सफारी जीत गया हूँ। तो चलिए उस रिकॉर्डिंग को सुनते हैं। आपने ऑर्डर किया था जी? फोन आपने ऑर्डर किया था? मोबाइल? नहीं 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 किया था मैंने। तो क्या चीज ऑर्डर किए थे? वो तो आपको पता होगा ना सर, क्या ऑर्डर किया था मैंने। जी जी जी। हाँ तो विजय जी, आज क्या है, कंपनी फ्लिपकार्ट का सेलिब्रेशन डे है। अच्छा। और ये सेलिब्रेशन डे को मेरी कंपनी से कुल 5 विजेता के लिए इनाम वितरण किया जाता है। वो इनाम का विजेता आप हुए हैं, टाटा सफारी 4-व्हीलर की कार आपने जीता है सर। क्या बात कर रहे हो सर? जी हाँ सर, ये कार जीतने का हमारी कंपनी आपको और फ्लिपकार्ट में आईडी का मैसेज भी आपको देगा। सर पूरा लोग साल साल जिंदगी भर कमा रहे हैं पर नहीं हो पा रहे, तो घर बैठे चांदी हो गया मेरा तो। बिल्कुल सर, जो मैं आपको बता रहे हैं मेरी बात को आप एक्सेप्ट कीजिएगा। अच्छा, फ्लिपकार्ट आईडी का मैसेज भी आपके नंबर पे भेजी जा रही है। अच्छा जी, किस चीज का आईडी है? आप क्या 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 भेजेंगे आप? मैं बोला फ्लिपकार्ट आईडी का मैसेज आपको मिलेगा, ये प्राइज जो आपने जीता है इसका एसएमएस अभी आपके नंबर पे दिया जा रहा है। अच्छा जी। एक बार बताओ। हेलो जी बोलिए। यार ये नया अच्छा बहाना आप लोगों ने ढूंढ रखा है यार पैसे ठगने का। क्या बहाना ढूंढ रखा है? क्या बहाना ढूंढ रखा है? ये पैसा ठगने का बोल रहा हूँ। नहीं 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 सर, ऐसा कभी सोचना नहीं, ऐसा कभी नहीं सोचना है। तो बताओ ना। अच्छा उत्तर, बढ़िया आइडिया तो बढ़िया अच्छा है। आपको पता कैसे चला कि मैं फ्लिपकार्ट का ऑर्डर कर रहा हूँ बोल के? वो बताओ पहले। आप मेरी कंपनी से ऑर्डर करते हैं तो मुझे आपकी कंपनी से? हाँ जी। अच्छा एक बात बताइए, फ्लिपकार्ट किसकी कंपनी है मुझे बता दो बस। फ्लिपकार्ट ये मेरा कंपनी है, अंबानी का। अंबानी का कंपनी है? या क्या बात कर रहे हो यार, क्या बात कर रहे हो यार, सही बता रहे हैं तो। अंबानी का कंपनी है फ्लिपकार्ट जी। एक बार नेट में सर्च करके देखो किसकी कंपनी है। क्या? एक बार इंटरनेट में सर्च करके देखो किसकी कंपनी है बोल रहा हूँ। मैंने सर्च करके देख लिया है। अरे कौन से देश की कंपनी है इतना बता दो। क्या? कौन से देश की कंपनी है ये? लंदन का है। लंदन का कंपनी है?
क्या बात है। अरे भाई यार कुछ पूरी जानकारी तो ले के पहले फोन किया करो यार। हेलो, पूरी जानकारी लेके फोन किया करो, बोल रहा हूँ। पूरी जानकारी लेके फोन करें, क्या बढ़िया तरीका है पैसा कमाने का? नहीं, आपसे अच्छा और क्या थोड़ी ना पैसा कमाने का कोई आइडिया है, तो इससे अच्छा कोई थोड़ी ना तरीका है। लेकिन जो मैं पूछ बोल रहा हूँ ना, आप जो कर रहे हो ना, पूरा पहले पूरा पूरी जानकारी लेके किया करो। हेलो, हाँ सुन रहा हूँ, बोलो बोलो। मैं बोल रहे हैं काम करना है ये वाला। किसको? मेरे को। घर बैठे पैसा कमाना, घर बैठे पैसा को उपार्जन करना, इससे बढ़िया कहाँ काम मिलता है? करना है तो दो चार ये 10 लड़के का जुगाड़ करो, मैं यहाँ से नंबर व्हाट्सअप करेगा। नहीं नहीं, मेरा तो सुनो तो, मेरा तो वैसा कुछ कॉन्टेक्ट नहीं है, पर मैं आपको बोल रहा हूँ पहले कि आप पूरी जानकारी तो रखा करो, फ्लिपकार्ट किसकी कंपनी है, आप दूसरे कॉल में आपको मदद करेगा, फ्लिपकार्ट किसकी कंपनी है। आपको जानकारी है ना ये सब, कि किसकी कंपनी है किसकी नहीं है? तो हम लोग क्या करेंगे भाई, दो पैसा देखो भाई, मैं तो टीचर हूँ, दो पैसा कमा रहा हूँ, घर में शांति से हूँ भाई। कंपनी का मॉनिटर बना देंगे आपको, कंपनी का मॉनिटर आपको बना देंगे, आधा का पार्टनर रखेंगे आपको। अच्छा क्या यार आप लोग, रहिएगा, सही बोल रहे हैं, कमाल कर दे रहे यार आप लोग, सही बोल रहे हैं, रहना है क्या? नहीं 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 भाई, नहीं करना, नहीं करना। बाकी आइडिया अच्छा है भाई आपका, नया तरीका बढ़िया है। बाकी एक दिन में इधर 15 से 20 लाख आने का होता है, 15 से 20 लाख। अच्छा, एक दिन में पूरा? फिर तो अंबानी आप हो और अंबानी के कंपनी क्या संभाल रहे हो आप, अंबानी तो आप खुद ही हो लग रहा है। सही बोल रहे हैं, एक दिन में 15 से 20 लाख का इनकम करते हैं और खर्च इसमें कोई लगता नहीं है। अच्छा, तो मोबाइल फ्री हो गया है, 3 महीने तक बात करो। हाँ वो भी है, तो उन्हीं का, आप ही का कंपनी है, अंबानी का कंपनी। और तुमको बता दें, देखो कहाँ कहाँ का हमारे पास कस्टमर पड़ा है, गुजरात, ये आपका उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, बिहार। अच्छा, तो आप लोग पुलिस पकड़ती नहीं है क्या? आप लोगों को पकड़ नहीं पाते हैं क्या पुलिस? पुलिस काहे के लिए पकड़ेंगे, पुलिस को भी माल छोड़ता है इधर से, तो काहे के लिए पकड़ेंगे पुलिस? अच्छा नहीं, किसी के अकाउंट से ट्रांसफर हो जाता है पैसा आपके अकाउंट में, फिर कैसे करते हो आप लोग? क्या? अरे आप कुछ तो मांगते होगे ना, कार्ड वार्ड मांगते होंगे किसी का, पैसा फिर आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है, फिर आपको पुलिस पकड़ती नहीं है? अकाउंट से पता चलता है किसका अकाउंट है? आजकल तो आधार कार्ड लिंक है, वो सब तो रखते हैं सब फोल्डरी अकाउंट। अच्छा, तो अपने आईडी के अकाउंट पर लेंगे तो पुलिस पकड़ ही लेगा खोज छानबीन करके। तो क्या अकाउंट भी गलत दूसरा है, आधार कार्ड भी बना लेते हो क्या? डुप्लीकेट आधार कार्ड भी बना लेते हो? आधार कार्ड भी बना लेते हैं, अकाउंट भी बना लेते हैं, सिम भी निकाल लेते हैं, सब बैंक मैनेजर को सेटिंग करके रखते हैं। क्या बात है, तब वही तो बोला कि करना है, करोगे? अरे नहीं नहीं भाई, हमें नहीं करना, लेकिन बड़ा करोगे तो 10 लाख का 20 लाख का 50 लाख का जुगाड़ करो, मैं यहाँ से नंबर भेजेगा उधर करना। नहीं भाई, हमें तो नहीं करना है, हम तो यह टीचर लोग हैं, दो पैसा कमा रहे हैं, शांति से रह रहे हैं, इतना कौन टेंशन लेगा? टेंशन वाला कुछ भी बात नहीं है। चलो ठीक है भैया। हेलो, हाँ बोलो। कुछ नहीं भैया, बस वही पूछ रहा था मैं आपसे, कैसे कैसे क्या होता है, पर बढ़िया तरीका है ये, अगर करना है तो कल से लग जाओ। तुम्हारे ग्रुप में 10 लड़का 20 लड़का 50 लड़का है ना? अच्छा अच्छा, कल से यहाँ से तुमको नंबर तुम्हारे मेल पे भेज देंगे, मेल से निकाल के वहाँ नंबर निकलवा के करना। अच्छा अच्छा, क्या? नहीं भैया, हमें नहीं करना ये सब, कंपनी आपको मार के दे। अब नहीं करना है तो जबरदस्ती थोड़ी किसी को बोलेंगे, अभी तो हमारे पास 500 लड़का यहाँ पे काम करता है। हाँ नहीं, बता रहा हूँ मुझे नहीं करना है बोल के बता रहा हूँ, आप जबरदस्ती कैसे करवाओ, खुद के मर्जी से करने वाला काम है ये तो। कोई नहीं करना तो कोई बात नहीं। अच्छा भैया,
चलो ठीक है भैया, रख दो फोन, जान के फायदा नहीं है तुमको। देखा दोस्तों कैसे साइबर क्राइम और फोन पर फ्रॉड कॉल करके लोग आपके सारे पैसे चुरा सकते हैं। इसीलिए हमेशा सतर्क रहें और अपनी निजी जानकारियों को कभी भी इंटरनेट पर या फोन पर किसी के साथ शेयर ना करें। धन्यवाद। आशा करते हैं दोस्तों आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।